छतरपुर कलेक्टर ने कोविड 19 के चलते लंबे समय से आम लोगों की समस्याओं के निदान के लिए रुकी जन सुनवाई को फिर से किया प्रारंभ। कलेक्टर छतरपुर सीलेन सिंह की अगुवाई में जिला पंचायत के सभाकक्ष में मंगलवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई शुरू हुई, जिसमें 40 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को समीक्षा कर तथ्यों के साथ निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं ऐसे आवेदन जो गंभीर प्रकृति के थे उन्हें समीक्षा के लिए TL के साथ जोड़ा गया। कलेक्टर ने कहा कि कोविड 19 के चलते लंबे समय से आम लोगों की समस्याओं के निदान के लिए रुकी जन सुनवाई को शुरू किया गया है, ये आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के आम लोगों की समस्याओं के निदान के लिए बीते दिनों ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कार्यक्रम शुरू किया गया। आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन के निर्देशानुसार जन सुनवाई शिकायतों का समाधान कराया जाएगा। आज से जन सुनवाई प्रारंभ हो चुकी है और ये जन सुनवाई आगे कंटिन्यू रहेगी। जन सुनवाई इसलिए प्रारंभ करनी पड़ेगी, जनता जो समस्याएं हैं कोरोना के कारण अभी सुनवाई नहीं हो पा रही थी तो लोग काफ़ी परेशान थे, उसी के कारण हम लोगों ने गांव में दौरे करने भी प्रारंभ किए थे। पर उसके बावजूद भी कुछ लोगों को जो मुख्यालय पर आते थे मेरे ऑफिस में या इधर उधर भटकते रहते थे, तो उसको ध्यान में रखते और मध्य शासन के जो इंस्ट्रक्शंस हैं पिछली जो मीटिंग वाली मुख्यमंत्री जी की उसमें हुई थी उसके अनुसार बाकी जगह भी जन सुनवाइयाँ प्रारंभ हुई हैं, तो यहाँ पर भी फिर हम उसी के तहत जन सुनवाई। सर, किस तरह के मामले आज ज़्यादा? वो सभी विभागों के हैं, ज़्यादातर जो थे कुछ राजस्व के भी हैं, फूड डिपार्टमेंट के भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हैं, कुछ हेल्थ से रिलेटेड सभी के हैं, मिक्स हैं, ऐसे ज़्यादा किसी एक विभाग के हैं ऐसा नहीं है। सर, देखा जा रहा पटवारी द्वारा मुआवजा की राशि खातों में डालने के लिए पैसों की मांग की जाती है, इस तरह के मामले आए हैं, कैसे पटवारियों पर कार्रवाई की जाएगी? निश्चित तौर पे अगर शिकायत सही पाई जाएगी तो कार्रवाई।